जय श्री सीताराम। कार्य सर्प दोष को लेकर के बहुत ज्यादा डराया जाता है और फिर जहां पर डर है वहां पर लूटपाट तो आ ही जाती है भाई। मेडिकल साइंस को ही देख लो, हॉस्पिटल्स को ही देख लो। तो कार्य सर्प दोष में पैसे लगा करके पूजा करना ज्यादा उचित है या खुद से भी आप पूजा कर सकते हैं? कम रुपए कम पैसे की या बिना पैसों की भी कोई पूजा हो सकती है क्या? देखिए, कई वर्षों से मैं एक मुहिम छेड़े हुए हूँ और वह है लूटपाट के खिलाफ वाला मुहिम। आपका पैसा जहाँ लगता है, जहाँ खर्च होता है, जहाँ लूटा आपको जाता है, वहां पर मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। चूंकि मेरा फील्ड ज्योतिष का फील्ड है, कोई और फील्ड मेरा है नहीं, नहीं तो वहां पर भी मैं करता। चूंकि ज्योतिष का फील्ड है तो यहाँ पर लूटपाट यदि आपके साथ होती है तो मुझे गुस्सा आता है और मैं आपकी लूटपाट से आपको सतर्क करने का प्रयास करता हूँ। जहां तक काल सर्प योग का सवाल है, मैंने पहले कई सारे वीडियोस में ये सिखाया है कि देखें, सचिन तेंदुलकर को भी काल सर्प दोष है और सचिन तेंदुलकर से ज्यादा जल्दी यदि किसी ने धन पाया, किसी ने प्रतिष्ठा पाई, किसी ने परिवार पाया, किसी ने स्वास्थ्य पाया, तो किसने पाया मुझे ये बताइए? तो किसी ने नहीं। तो काल सर्प दोष ऐसा हो तो मैं तो बोलता हूँ हर किसी कुंडली में हो, इतनी जल्दी प्रतिष्ठा धन स्वास्थ्य परिवार सब मिल जाए तो। हाँ, ये बात भी पूरी तरह से सही है कि कुछ काल सर्प जो है वो कई बार दिक्कत पैदा करते हैं। और मैंने ये भी सिखाया है कि काल सर्प दोष राहु और केतु की वजह से बनता है। तो राहु और केतु की स्थिति यदि कहीं खराब है तो राहु और केतु के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे काल सर्प योग का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि भाई हाँ ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है राहु केतु के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काल सर्प दोष का किस प्रकार से आसान और मुफ्त में या बहुत कम रुपयों में इलाज किया जाए, उपाय किया जाए। तो सबसे पहला उपाय तो मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई पहले तो आपकी कुंडली में आप ये पता करिए कि राहु और केतु में कौन से ग्रह खराब है आपकी कुंडली में। यदि कहीं आपको किसी ने कहा है कि भाई आपको काल सर्प दोष है, तो कौन से ग्रह खराब है? राहु खराब है या केतु खराब है या दोनों खराब है? जो भी ग्रह खराब है उनका आप उपाय कर लीजिए। कैसे उपाय किया जाता है? उपाय के लिए बहुत आसान सा मैं आपको रास्ता बताता हूँ। इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप सारे वीडियोस में जाकर के ये सीख सकते हैं कि राहु और केतु अच्छे हैं या खराब हैं। तो यदि आपको ये पता है तो एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है सभी ग्रहों के सटीक उपाय में। तो सभी ग्रहों के सटीक उपाय में आप राहु और केतु का उपाय देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए और वो उपाय आप कर लीजिए। आप समझे ना? यदि आपको ये नहीं पता कि राहु केतु खराब कैसे हैं, कैसे पता किया जाए, तो एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, है ना, उसमें आप देख सकते हैं। सभी ग्रहों के सटीक उपाय में आपको राहु और केतु के दो वीडियोस मिल जाएंगे, उनका आप उपाय करिए और आपकी काल सर्प दोष की समस्या में आपको बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको और उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि बहुत 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 और बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा उसमें लाभ मिला है। क्या उपाय है? पहली बात तो ये कि किसी भी सोमवार, कोई सा भी सोमवार हो, उस सोमवार को शिव शंकर भगवान के मंदिर जाकर के सफेद ध्वजा, सफेद त्रिकोण ध्वजा, मंदिरों पर जो ध्वजा चढ़ती त्रिकोण होती है, तो यहां पर जो है आपको सफेद त्रिकोण ध्वजा बनवाना है। भाई आपके शहर में कोई भी टेलर होंगे वो बना देंगे। तो सफेद त्रिकोण ध्वजा जो है आपको बनवाना है पहले ही, और सोमवार की सुबह नहा धो करके बिल्कुल जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके या जब मंदिर खुलता तब से लेकर के 11 बजे तक आप चले जाइए। और खुद यदि लगा सकते हो उस ध्वजा को मंदिर के ऊपर शिखर पर तो लगा दीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो किसी सहयोग करने वाले को कह दीजिए, उन्हें उनकी दक्षिणा दे दीजिएगा। भाई किसी से कुछ काम करवाते तो उनको दक्षिणा देना चाहिए, उन्हें उनकी दक्षिणा पहले डिसाइड कर लीजिए, दे दीजिएगा, और जो है वो ध्वजा मंदिर के ऊपर लगवा दीजिएगा, सफेद ध्वजा, किसी भी सोमवार के दिन। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कि अमावस्या के दिन कहीं पवित्र नदी आपके आसपास है, पवित्र मतलब आप जैसे नर्मदा जी हुई, गोदावरी जी हुई, गंगा जी हुई, यमुना जी हुई, है ना, इस प्रकार से यदि ऐसी कोई नदी आपके पास है तो भैया बहुत अच्छी बात, बड़े खुशकिस्मत है आप हैं। बहुत पास में ऐसी नदी नहीं है तो कोई लोकल नदी भी आपके आसपास है, बहती है, तो वहां पर आपको अमावस्या में दिन के वक्त जाना है, मतलब आज अमावस्या है तो आज आपको जाना है। और
आप जो हैं पहले से ही चांदी के और तांबे के, है ना, नाग नागिन का एक जोड़ा बनवा लीजिए, या तो चांदी या तांबा, मतलब दोनों नहीं बनवाना है, या तो चांदी का जोड़ा बनवाइए नाग नागिन का, या तांबे का जोड़ा बनवाइए नाग नागिन का, कितना बड़ा आकार हो वो आपकी इच्छा, और ये जाकर के वहां पर जो है वो प्रवाहित कर दीजिए, अमावस्या के दिन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए यदि। अच्छा, और ये जो दो उपाय मैंने आपको बताए हैं, कौन से दो उपाय, एक तो त्रिकोण ध्वजा लगाना और एक चांदी या फिर तांबे के नाग नागिन का एक जोड़ा जो है वो अमावस्या के दिन नदी में प्रवाहित करना, ये जो मैंने आपको दोनों उपाय बताए, इन दोनों उपायों को 6-6 महीने के अंतराल से रिपीट करते रहिए, क्योंकि भाई कालसर्प दोष तो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, एक बार आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन होता ना एक रिचार्ज होता है ना, आपने रिचार्ज किया तो 2 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलेगा, एक ही महीना चलेगा, तो आप मान के चलिए 6 महीने का रिचार्ज है, तो 6-6 महीनों में इसे रिपीट करते रहिए। यदि आप इसे रिपीट करते हैं, किसी प्रकार की कोई काले सर्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और वो राहु केतु का उपाय तो आप कर ही रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई काले सर्प दोष की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक और मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि राहु जो है वो जो भी असामाजिक चीजें होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको, वेश्यावृत्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, यदि कहीं इनमें आप लिप्त हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, तो इनसे कोसों दूरी बना लें, क्योंकि जमाने के कुछ भी उपाय आप कर लेंगे, यदि आप इनसे दूरी नहीं बनाएंगे तो निसंदेह आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, यदि कहीं राहु आपको खराब या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो, और काल सर्प दोष यदि कहीं आपको समस्या क्रिएट कर रहा है तो ये बहुत आसान सा मैंने आपको यहाँ पर उपाय बताया, जिसमें आप कोई बहुत पैसा नहीं लगने वाला, एक सफेद ध्वजा बनाएंगे तो कितना रुपया ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, तांबे के यदि आप नागनगिन का जोड़ा बनवाएंगे, चांदी का भी छोटे छोटे से बनवा लेंगे तो कौन सा बहुत पैसा लग जाएगा, जो महंगी महंगी पूजाएं होती हैं 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार से तो शुरू होती है, तो उसके सामने तो कुछ भी खर्चा नहीं है, तो ये आप जरूर करें और करते रहें, देखें कोई कोई महंगी पूजा कराने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपना पैसा बचा करके रखिए और इतने आसान से उपाय से आपका काम भी हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जिसे कालसर्प दोष है कुंडली में उसे ये उपाय करना है, उसे उसे जाकर के ध्वजा लगाना है या लगवाना है, उसे प्रवाहित करना है नाग नागिन का जोड़ा, हाँ उसे नॉनवेज, अंडा या शराब, सिगरेट, टोबैको जो है वो छोड़ना है ना, राहु केतु का जो मैंने उपाय दिया है, सभी ग्रहों के सटीक उपाय प्लेलिस्ट में जाने के लिए कहा था, ये उसे करना है, ठीक है ना, तो यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो फायदा मिल जाएगा, और फिर यदि खुद व्यक्ति करना नहीं चाहता है तो फिर भाई पैसे खर्चा करना ही पड़ेंगे, लेकिन यदि इंसान करना चाहे, पैसे भी खर्च नहीं करता, करना चाहता है, खुद करना चाहता है उपाय, तो मैंने ये बहुत आसान से उपाय यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं बन रही है, जो भी रुकावटें बन रही है, जो भी आप किसी भी चीज को लेकर के, समस्या को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उन समस्या पूरी तरह से खत्म हो और आपके जीवन आपको बहुत सुगम, बहुत आसान, बहुत समृद्ध प्रभु बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में चलता जाता हूँ, जय श्री सीताराम।